अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों की ऑन साइट एंड ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, और उससे कबल आप लोग अपनी प्रैक्टिस भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अभी तक शुरू नहीं की है तो उसमें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ डाली हुई हैं जिसको देख कर आप लोग प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर सकते हो। आज की वीडियो बेस करती है उस एक्साइटिंग न्यूज़ पर जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बात कर रही हूँ उस चंग के लिए कि जिन लोगों के पास लैपटॉप या पीसीस नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो लोग बड़े परेशान हो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं उन लोगों की परेशानी का हल निकाल दूं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अहम बातें बताई हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित रहेंगी। हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स आप लोगों को वीडियोस ऑलरेडी बना के दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें जो वो लोग कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम विजुअल स्टूडियो है, एंड वो मोस्टली जो वर्किंग कर रहे हैं वो लैपटॉप्स या पीसीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी ये वीडियो बेस करती है खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लैपटॉप या पीसीज़ नहीं है, तो मैं उनको एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर यानी मैं उनको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको डाउनलोड करके, जैसे एप्लीकेशन को वो लोग डाउनलोड करके आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड इवन उन लोगों को रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो आप लोगों को अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये हम लोगों को दिख चुका है। इसमें जो फर्स्ट वाला आप लोगों को दिख रहा है उसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। आप लोग इसका स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हो, आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरीके से हाइलाइटिंग्स की जाएंगी, इसकी रेटिंग्स वगैरह आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, आप लोग के पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप लोग इंस्टॉल कर लोगे तो ये ओपन का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। मैं इसको ओपन करूँगी। जैसे ही मैंने ओपन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये ओपन होकर आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग इस पर वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं एक न्यू फाइल ओपन करूँगी। मैंने एक न्यू फाइल ओपन की और हमें प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, हमें HTML की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये बात आप लोग ये देख लीजिए कि नीचे जो है ऑलरेडी आप लोगों को ब्रैकेट्स और स्लैश एक्सेट्रा जितने भी आप लोग सिंबल्स यूज़ कर रहे हो तो HTML में वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहीं से क्लिक किया एक ओपन ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट, और मैं यहाँ पर लिखूँगी डॉक टाइप, यानी मैं एडिटर को बता रही हूँ कि मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, HTML यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगी, उसके बाद मैं एंटर करूँगी। तो यानी इसको पता चल चुका है कि हम किस पर वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग HTML पर वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं दोबारा ओपन करूँगी ब्रैकेट और इसमें लिखूँगी HTML, इसको एक और दफ़ा क्लिक कर लूँगी। लेकिन अब आप लोगों ने एक बात नोट की कि ये जो है कलरफुल नहीं हो रहा, या ये कुछ हम लोग को इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि हम लोग वाकई ही इस एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम लोग HTML यूज़ कर रहे हैं या पर नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को इस फाइल को HTML के नेम से सेव करना पड़ेगा। तो हम लोग सेव कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और सेव एज का ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को हटा के हम लोग सेव कर देंगे HTML .html के नाम से। हम लोग फाइल को जब सेव कर देते हैं तो इस फाइल को पता चल जाएगा कि अच्छा ये HTML की फाइल है। ठीक है, तो अब हम ज़रा दोबारा चेक करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट डॉक टाइप HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखें यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने फाइल का नेम सेव कर दिया है HTML के नाम से। तो आप इस फाइल को पता चल चुका है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो HTML का टेक्स्ट होगा। मैं ओपन ब्रैकेट करूँगी और लिखूँगी HTML क्लोज ब्रैकेट, कि अब हम लोग HTML की लैंग्वेज लिखने के लिए जा रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही समझ में तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सबसे आसान तरीका जो है HTML को सीखने का, ये सबसे जो मैं कहूँगी फर्स्ट चीज़ हम लोग लिख सकते हैं वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो मैंने ओपन ब्रैकेट किया और मैं अब क्लोज ब्रैकेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगी दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस एंगुलर ब्रैकेट ओपन स्लैश, ये क्लोज करने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये क्लोज़ कर दिया, एंटर कर दिया मैंने ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को अपना रिजल्ट देखना है। तो ये जो थ्री डॉट्स है इसको आप लोग क्लिक करो, और आप लोग ये देख रहे होगे कि
व्यू इट ऑन मैप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब आप लोग के पास डिफरेंट चीज़ें होंगी जिस पर आप लोग देख सकते हो। लेट सपोज मेरे पास ऑलरेडी एच टी एम एल व्यूअर मौजूद है, तो मैं उस एच टी एम एल व्यूअर को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपने ही चैनल का नाम, लेट सपोज अहल। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया, व्यू इट ऑन वैप किया, एच टी एम एल व्यूअर मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इस पर क्लिक किया, जस्ट वंस किया और ये मेरा नाम चैनल का नाम दिखा देगा। ठीक है, दोबारा मैं लिख लूँगी यू कैन डू इट, ब्रैकेट ओपन किया, स्लैश किया, पी को एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, व्यू इट ऑन वैप। एच टी एम एल व्यूअर में जाऊंगी, जस्ट वंस किया एंड सी दिस थिंग, यू कैन डू इट हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है। सो आई होप सो कि ये वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी और उन लोगों की परेशानी भी दूर हो गई होगी जिन लोगों को ये फिक्र थी कि हमारे पास लैपटॉप भी सीज नहीं है तो हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बता दी है, एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी प्लेटफॉर्म बता दिया है जिस पर आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस बात की कोशिश करो कि आप लोग जल्द से जल्द कुछ सेविंग करो और लैपटॉप से पीसीज ख़रीद लो, क्योंकि इन अ लॉन्ग टर्म हम लोग मोबाइल पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, लेट सपोज लैपटॉप या पीसी चाहिए जिस पे हम लोग बकायदा तौर पर प्रैक्टिस कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।